भक्तों के भक्त हनुमान कैसे हो सकते हैं एक चोले से प्रसन्न, कैसे पूरी कर सकते हैं आपकी समस्त मनोकामनाएं, इसे मंदसौर के तलाई वाले हनुमान के दरबार में आकर बाखूबी समझा जा सकता है। लेकिन जितना आसान हनुमान को प्रसन्न करना है उतना ही मुश्किल है हनुमान को चोला चढ़ाना। क्यों बताते हैं आपको। चोले का चमत्कार, हनुमान देंगे वरदान, कट जाएगी शनि दशा, विपत्ति से मिले छुटकारा, हर कामना होगी पूर्ण। चढ़ा दिया चोला संग सिंदूर, हनुमान गुसाई, एक चोले से प्रसन्न कर लीजिए बजरंग बलि को, चोले से पा लीजिए हनुमान का वरदान। आज देखिए चोले का चमत्कार, कृपा करो। ये चोला जब चढ़ता है संकट हर हनुमान को, तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं हो जाती है पूर्ण। पूजा अर्चना और आरती के बाद भक्त अधूरी कामनाओं संग चोले से करते हैं पवन पुत्र की आराधना। मन भक्ति से मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हनुमान का ये मंदिर देश के दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिंदूर और चोले से की जाती है संकट मोचन की आराधना। कहते हैं ऐसा करने से इच्छाएं पूरी होते देर नहीं लगती। भगवान के चमत्कार को भक्त साक्षात अपने जीवन में घटते हुए देखते हैं और यही महिमा हर रोज सैकड़ों हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन भगवान को चोला चढ़ाना इतना आसान भी नहीं है। महावीर प्रभु, विशेष करके भक्तों की आस्था भगवान को चोला चढ़ाने में होती है और चोला चढ़ाने के लिए भक्त 15 साल तक इंतजार करते हैं। आज कोई अगर मंगलवार के लिए चोला बुक करता है तो उसके लिए 2025 में फरवरी में उसका नंबर आता है। इतनी बुकिंग यहाँ पर मंगलवार के लिए है। शनिवार के लिए 2022 में नंबर आएगा। चोला चढ़ाने के लिए लगती है अर्जी, 15 साल बाद आती है बारी। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनि लीजिए प्रभु बिनती। मंदसौर में हनुमान जी को तलाई यानी तालाब वाले हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अगर किसी को भगवान को चोला चढ़ाना है तो उसे पहले लगानी होती है एक अर्जी। अगर किसी को मंगलवार को चोला चढ़ाना है तो उसकी बारी अर्जी लगाने के 15 साल बाद आएगी। वहीं अगर कोई शनिवार को चोला अर्पित करना चाहता है तो उसे करना होगा 12 साल इंतजार। ये इंतजार बताता है कि यहाँ किस कदर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और चोले के चमत्कार में भक्तों का कितना यकीन है। तलाई वाले बालाजी, क्या जब जब भी ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है कि व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो यहाँ आके सच्चे दिल से अगर हम मांगते हैं तो वो तक्षण पूरी होती है, किसी भी प्रकार का उसमें विलंब नहीं होता है। और यही हमारी श्रद्धा का केंद्र है कि जब जब भी मुसीबत के समय हम यहाँ आते हैं और किसी प्रकार की इस चमत्कारिक और अलौकिक प्रतिमा के सामने जब हम अपनी मुराद के लिए मिन्नत करते हैं तो वो बालाजी महाराज बिल्कुल पूरी करते हैं। यहाँ काफी महिलाएं पुरुष सभी आते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेके, सबको अपने अपने मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारी लड़के आती है अच्छे वर के लिए, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं वो बच्चों के लिए आती है, और जिनके धन संपत्ति की या किसी भी तरह की विपदा है बाबा सबकी विपदा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जिसने चोला चढ़ा दिया वो जीवन भर दुखों से छुटकारा पा लेता है, बड़े से बड़े संकट से पा लेता है रक्षा का वच। भगवान के दर्शन मात्र से भक्तों की हर तकलीफ दूर हो जाती है। तलाई वाले बालाजी भक्तों की शनि को भी काटते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दशा चल रही होती है वो भक्त अगर यहाँ चोला चढ़ा दें तो उनके कष्ट कटते देर नहीं लगती, विपत्ति सहने की ताकत आ जाती है और हर इच्छा हो जाती है पूर्ण।
जिसे नौकरी की दरकार होती है उसे काम मिल जाता है, जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत आ रही होती है उन्हें भी मिल जाता है समाधान। मंदसौर के इस मंदिर में हनुमान जी का रूप भी कुछ अनूठा ही है। यहाँ भगवान का दिखता है तो सिर्फ चेहरा, धड़ जमीन में धंसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भक्तों के भक्त अपने भक्तों को ये यकीन दिलाते हैं कि हर तकलीफ हर दुख को वो हर लेंगे, और यही विश्वास भक्तों को देश के कोने कोने से यहाँ खींच लाता है। आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक। लेटे हुए हनुमान के दर्शन कभी किए हैं आपने? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां हनुमान लेटे हुए तो हैं ही, साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनका आकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संकट मोचन का अनोखा संसार, हर दिन बढ़ रहा है हनुमान का आकार। लेटे लेटे फैला रहे हैं भगवान अपना आकार। कैसा है भगवान का ये चमत्कार, दर्शन कर लीजिए बजरंग बली के ऐसे रूप के जिसके दर्शन करना आसान नहीं। जिस रूप के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं हर तरह के संकट और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बना हनुमान मंदिर कई मायनों में बेहद विशेष है। यहाँ माँ अंजनी के साथ संकट मोचन के दर्शन होते हैं, और वो भी उनके लेटे हुए रूप के। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करती है ये बात, यहाँ हर दिन अपना आकार बढ़ा रहे हैं हनुमान। मंदिर के महंत का दावा है कि यहाँ हनुमान जी अपना शरीर हर साल कुछ इतना बढ़ा लेते हैं कि मंदिर की दीवारें उन्हें सहेज कर नहीं रख पाती, संभल नहीं पाती। बजरंग बली के पैर और हाथ छूने लगते हैं दीवारों को। ऐसे में मंदिर प्रशासन को मंदिर तुड़वा कर बजरंग बली के आकार के अनुसार नया मंदिर बनवाना पड़ता है, और तब जाकर भक्त कर पाते हैं उनकी पूजा। हनुमान जी प्राचीन हनुमान जी है और माँ अंजनी साथ में है, तो क्या है कि मूर्ति बढ़ती है, स्वयं हुए मतलब बनाई हुई मूर्ति नहीं है, अनगढ़ हनुमान जी है, और इसलिए कि मूर्ति बढ़ती है इसलिए बार बार टूटता है मंदिर, यानी एक बार दो बार तीन बार यानी चौथी बार निर्माण हुआ है मंदिर का। हनुमान जी अपना आकार क्यों बढ़ा रहे हैं इसका जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले 100 सालों में चौथी बार मंदिर को तुड़वाया गया है। मंदिर चाहे जितना बड़ा बनवा लिया जाए, कुछ सालों में हनुमान जी के आकार के आगे वो छोटा पड़ जाता है। संकट मोचन की ये मूर्ति स्वयंभू है। हनुमान के इस चमत्कार के बारे में कुछ लोगों का यकीन है कि शायद भगवान कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जिसे समझने की जरूरत है। कोई से अनिष्ट की आहट बताता है तो कोई संकट मोचन के विराट रूप से जोड़ कर देखता है। इन सवालों और उनके जवाबों के बीच एक बात जो भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है वो ये कि इनकी शक्तियाँ जो भक्तों के समस्त दुख दूर कर देती है। यही वजह है कि छोटी सी जगह में बने होने के बावजूद यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपने दिल में उनकी दुर्लभ मूर्त बसा कर ले जाते हैं। रविंद्र व्यास, छतरपुर, आज तक। भक्तों के भक्त हनुमान छोटी छोटी सी चीजों से भी पल भर में हो जाते हैं प्रसन्न। अब हरदोई के हनुमान जी को ही ले लीजिए, यहाँ झंडा और लड्डू चढ़ाने से भगवान पूरी कर देते हैं भक्तों के दिल की हर मुराद। लाल देह लाली नसे, लगा कर लड्डू का भोग। लंगूर बज्र देह दानव दलन, लीजिए हनुमान का नाम। कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय, लग जाएगा आपका बेड़ा पार। कर दिया अगर आपने एक झंडा दान,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कपड़े का एक छोटा सा झंडा आपको दिला सकता है समस्त कष्टों से मुक्ति, रामदूत अतुलित बल, और संवार सकता है आपका जीवन। पुत्र पवन सुत बजरंग बली के दरबार में बस एक दिन की पूजा और लड्डू संग झंडे का चढ़ावा पूरी कर देगा आपकी हर मुराद। महावीर विक्रम बजरंग। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला इलाके में इस छोटे से मंदिर की महिमा अनंत है। इस मंदिर में विराजित पवन पुत्र की मूर्ति जितनी चमत्कारी है उतना ही चमत्कारी यहाँ पूजा का विधि विधान है। यहाँ भक्त लड्डू संग झंडा चढ़ाकर मांगते हैं बजरंग बली से आशीर्वाद, लेकिन झंडे की ऐसी महिमा और चमत्कार आपको साल में केवल एक ही दिन देखने को मिलता है और वो है भादो मास का आखिरी मंगलवार। कहते हैं जो कोई इस दिन होने वाली झंडा यात्रा में शामिल होकर बजरंग बली के दरबार में झंडा चढ़ा देता है उसकी मुरादों को मिल जाता है पवन पुत्र का आशीर्वाद। इस मंदिर को भक्त महावीरन मंदिर के नाम से पुकारते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पड़ा तेरे। मंदिर में मौजूद हनुमान जी की ये छोटी सी मूर्ति किसने और कब यहाँ स्थापित की ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि हनुमान की इस प्रतिमा में चमत्कारिक शक्तियों का वास है और यही शक्तियाँ भक्तों को यहाँ खींच लाती है। प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि सफलता जो होता है, जो परिणाम जो होता है वो बहुत देर से मिलता है, परिणाम मिल नहीं पाता है, सफलता मिल नहीं पाती है, इसलिए इसका प्रयोग करें। शीघ्र सफलता मिले इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूँ, फिर इसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। इसका भाव ये है कि भगवान जो हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका शीघ्र फल दीजिए। ऐसा ना हो फल मिलते मिलते इतनी देर हो जाए कि हमारे मन में निराशा आ जाए। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से संध्या समय बोलते हैं 5 से 7 बजे का समय, उस समय बैठ करके उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 7 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 3 बार इसका प्रयोग करें, उच्चारण करें, इसका जाप करें, शांत भाव से इसका जप कर लें तो आप देखेंगे आपको सफलता शीघ्र आने लगेगी। जो सफलता जिसकी आपको आशा है कि जिसमें देर हो रही है वो सफलता भी शीघ्र मिलेगी, परिणाम जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। और एक बार मंत्र में पुनः निवेदन करता हूँ। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। मित्रों इस मंत्र का उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आपको शीघ्र सफलता मिले, आपको परिणाम अच्छा प्राप्त हो और वो भी शीघ्र मिले। मित्रों इसी के साथ समय है जिज्ञासा का। मेरे भाई बहन आज की जिज्ञासा है कि पूजा में पात्रों का क्या महत्व है। पूजा जो हम करते हैं उसमें पात्र, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, तष्टा, अर्घा, पंचपात्र, आचमनी जो रखते हैं उसका क्या महत्व है। जैसे हमारे शरीर में अंगों का महत्व होता है, हमारे हाथ, नाक, आंख, कान हैं, ऐसे पूजा में पात्रों का महत्व कर यह है कि पूजा में अगर पात्र ठीक होते हैं, स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं तो पूजा पूरी हो जाती है, पूजा संपूर्ण हो जाती है और पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जब पात्र आप रखें, बर्तन रखें, पूजा के जो पात्र हैं मतलब बर्तन हैं वो स्वच्छ हों, साफ हों, अच्छी धातु से बने हों, सोने, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, अष्ट धातु के बने हों, और स्वच्छ वस्त्रों अगर वो न रख सकते हैं वो हों तो कम से कम मिट्टी के रखें या पत्तों के रखें, मतलब साफ हों, स्वच्छ हों तो अच्छी बात होगी। ऐसा करने से आपकी पूजा पूरी होगी और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मित्रों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम।